आपको पता है रेलवे परीक्षा जो हुई है आर आर बी और बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। धांधली के खिलाफ पूरे देश के छात्र नौजवान सड़कों पर उतर चुके थे, आज भी उतरे हुए हैं। पटना पूरे के तौर पर एक तरह कहिए तो छात्र नौजवानों के कब्जे में था, तो हर पर आंदोलन की पुनरावृत्ति हो चुकी है। इसके बावजूद भी सरकार उन विद्यार्थियों के बात सुन करके संशोधित रिजल्ट देने के बजाय हम देख रहे हैं कि दमनकारी नीति पर उतर गई है, लगातार हमला कर रही है, छात्र नौजवानों पर गोली चला रही है। इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और आज छात्र नौजवानों के आह्वान पर पूरे बिहार बंद का कॉल किया गया है। हमारी पार्टी भाकपा माले और महागठबंधन ने भी सक्रिय समर्थन करने का आह्वान किया है। हम बिहार भर के छात्र नौजवान जो सड़कों पर उतर करके बिहार बंद के जरिए नीतीश और मोदी को यह बताना चाहते हैं कि परीक्षा में धांधली पर रोक लगाई जाए, संशोधित रिजल्ट को दिया जाए और साथ ही साथ रेल को बेचने की जो साजिश की जा रही है वो बंद किया जाए। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा मोदी जी ने हर साल किया था, बिहार की सरकार ने 19 लाख रोजगार का वादा किया था। ये दोनों ही सरकार नौजवानों के साथ वादा खिलाफी किया है, कोई रोजगार नहीं दे रही है। और जो रोजगार पहले से कुछ है उसमें भी अगर कोई बहाली हो रहा है तो मोटी रकम ले करके और अपने पसंद के जो पैसे देते हैं उनका रिजल्ट घोषित किया जा रहा है, ये सरासर अन्याय है। इसलिए हम नीतीश और मोदी दोनों के खिलाफ हम पूरे बिहार और देश के छात्र नौजवानों का आह्वान करते हैं कि सड़क पर उतरें, 74 से बड़े आंदोलन खड़ा करके इन दोनों को देश से खदेड़ने का काम करें। सरकार तो बोल रही है कि हम इस पे दावा कर रहे हैं कि जांच कमेटी बैठाए हैं, इसका जो भी होगा परिणाम सही निकलेगा। सब केवल रफा दफा करने की कोशिश है, सच यही है कि सरकार कोई जाँच नहीं कर रही। अगर सरकार को जाँच करना होता तो छात्रों से सम्मानजनक तरीके से बात करती, लेकिन बात करने के बजाय उन पर लाठी गोली चलाना, दमन करना, ये क्या है? अब छात्र आंदोलन आगे बढ़ रहा है तो डर करके जो घोषणा करना हो करे, तो जांच करे, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सरकार नहीं सुन रही आपको बातों पर, फिर आगे कार्रवाई क्या होगी? नहीं कैसे सुनेगी, जनता से बड़ी कोई सरकार होती है? चुनाव जनता करती है, जनता इस लोकतंत्र की मालिक है। अगर सरकारें नहीं सुनेगी तो जनता के पास इतना ताकत है कि सरकारों को पलट देगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।